हेलो एवरीवन माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू द दैरियर स्मार्ट लर्नर्स इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फोर ठीक है इन द गिवन फिगर इफ़ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेकट एट टी पॉइंट यहां पे आपको लाइन दिख रही है पी क्यू एंड लाइन आर एस इंटरसेकट इच अदर एट पॉइंट टी यहाँ पर वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है सच दैट एंगल पी आर टी इज इक्वल टू फोर्टी डिग्री ये एंगल टी एस क्यू सेवेंटी फाइव डिग्री ठीक है आपको फाइन क्या करना है एस क्यू टी ये एंगल 95 है ये एंगल 40 डिग्री है ये एंगल 75 डिग्री है आपको एस क्यू टी यहाँ पर ये वाला एंगल आपको फाइन करना है ठीक है तो सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ट्राइंगल पी आर टी इन ट्राइंगल पी आर टी ठीक है फिर से वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी इज़ इक्वल टू वन एटी डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ठीक है यहाँ पे पी के पास कितना एंगल गिवन है आपको नाइन्टी फाइव डिग्री प्लस एंगल आर के पास फोर्टी डिग्री प्लस एंगल टी इज़ इक्वल टू वन एटी डिग्री ठीक है यहाँ पर नाइन्टी फाइव प्लस फोर्टी आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका नाइन्टी फाइव प्लस फोर्टी ये हो जाएगा आपका थर्टी वन थर्टी फाइव डिग्री प्लस एंगल टी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री ठीक है एंगल टी आपका हो जाएगा वन एटी माइनस वन थर्टी फाइव डिग्री एंगल टी का आंसर हो जाएगा आपका फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है एंगल टी को और अच्छे से कैसे लिख पाओगे आप एंगल पी टी आर इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है यहाँ पे अभी इस फिगर को आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ठीक है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ एंगल क्यू टी एस ये वाला एंगल क्यू टी एस इक्वल टू एंगल पी टी आर यहाँ पे रीजन में हम क्या लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ठीक है क्यू टी एस इज इक्वल टू पी टी आर तो क्यू टी एस का आंसर क्या हो जाएगा पी टी आर का आंसर हमारा यहाँ पे 45 डिग्री हुआ था तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री ये 45 डिग्री है अभी इस ट्रा को आपको देखना है अच्छे से इन ट्राइंगल एस टी क्यू ये ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं फिर से सेम प्रॉपर्टी एंगल एस प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू समेशन ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल इज़ इक्वल टू वन एटी डिग्री एंगल एस कितना होगा आपका 75 डिग्री यहाँ पे आप देखोगे ये अभी हमने यहाँ पे फाइन किया क्यू टी एस फोर्टी डिग्री ये हो जाएगा 45 डिग्री एंगल क्यू इज़ इक्ल टू वन डिग्री ठीक है ये एंगल सम प्रॉपर्टी है ये हर बार हर जगह पे यूज़ हो रहा है ये आपको ध्यान से याद रखना है ठीक है सेवनटी फाइव प्लस फोर्टी फाइव ये हो जाएगा वन ट्वेंटी डिग्री एंगल क्यू इज़ इक्वल टू वन एटी डिग्री एंगल क्यू का आंसर आपका हो जाएगा वन एटी डिग्री माइनस वन ट्वेंटी डिग्री एंगल Q इज़ इक्वल टू सिक्सटी डिग्री ठीक है इसको अच्छे से कैसे लिखोगे आप जो क्वेश्चन में पूछा है एंगल एस क्यू टी इज़ इक्वल टू सिक्सटी डिग्री ठीक है यही हमें फाइंड करना था और ये हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया एंगल एस क्यू टी ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन फोर कंप्लीट हो रहा है क्वेश्चन फाइव देखेंगे क्वेश्चन फाइव यहाँ पे देखेंगे इन द गिवन फिगर इफ़ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस ये लाइन आपको पी क्यू दिख रही है ये पी एस से परपेंडिकुलर है ठीक है यहाँ पे ये यह जो साइन दिख रहा है आपको ये परपेंडिकुलर की साइन है मतलब एंगल पी का आंसर यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल गया नाइन्टी डिग्री पी क्यू पैरेल टू एस आर ये पी क्यू एस आर से पैरेल है ये दोनों लाइन्स पैरेल हैं ठीक है एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू ट्वेंटी एट डिग्री एस क्यू आर इज इक्वल टू ट्वेंटी एट डिग्री ठीक है एस क्यू आर इज इक्वल टू ट्वेंटी एट डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यहाँ पे आपको एक्स और वाई दिख रहा है इसको आपको सॉल्व करना है और फाइंड करना है वैल्यूज ठीक है तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है पी क्यू पैरेल टू एस आर ठीक है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पी क्यू पैरेल टू एस आर ठीक है और यहाँ पे मैं इसको मैं ट्रांसवर्जल मान रहा हूँ अभी क्यू आर क्या हो जाएगा ट्रांसवर्जल यहाँ पे क्यू आर क्या है ट्रांसवर्जल है तो आपको ये Z शेप दिख रहा होगा ये टोटल एंगल ये वाला एंगल दोनों सेम हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं फिर से एक रफ़ में बना दे रहा हूँ फिगर तो आपको और अच्छे से पता चलेगा ठीक है ये टोटल एंगल आपको गिवन है सिक्सटी फाइव डिग्री यहाँ पे ये टोटल क्या हो जाएगा एक्स प्लस ट्वेंटी एट डिग्री ठीक है ये टोटल एंगल आप ऐड करोगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम हो जाएगा क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं ठीक है थीके? ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं ऐसा हम लिख पाएंगे ठीक है तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ एंगल पी क्यू आर इज़ इक्वल टू एंगल क्यू आर टी यहाँ पर रीज़न में मैं क्या लिख दूँगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ठीक है चलो पी क्यू आर की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा X प्लस ट्वेंटी एट एक्स प्लस ट्वेंटी एट डिग्री और क्यू आर टी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है सिक्सटी फाइव डिग्री हो जाएगा ठीक है ये X का आंसर यहाँ पे हमें मिल जाएगा सिक्सटी फाइव डिग्री प्लस ट्वेंटी एट है सामने जाएगा तो माइनस ट्वेंटी एट हो जाएगा X इज इक्वल टू थर्टी सेवन डिग्री ठीक है X का आंसर आपको यहाँ पे मिल गया थर्टी सेवन डिग्री एक्स हमें मिल गया है अभी इस ट्राइंगल की हेल्प से हम वाई फाइंड कर सकते हैं ठीक है तो वो कैसे करेंगे ट्राइंगल पी क्यू एस ठीक है ट्राइंगल पी क्यू एस में क्या होगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस तीनों का समेशन कितना होता है वन एटी डिग्री ठीक है यहाँ पे पी के पास एंगल कितना बन रहा है ठीक है ये साइन किसकी होती है नाइन्टी डिग्री की तो पी के पास नाइन्टी डिग्री प्लस एंगल क्यू सिर्फ हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? तो हमको सिर्फ इतना ही फिगर देखना है तो Q के पास X बन रहा है और S के पास क्या बन रहा है Y इज़ इक्वल टू वन एटी डिग्री नाइन्टी प्लस एक्स का आंसर हमने ऊपर फाइंड कर लिया थर्टी सेवन डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू वन एटी डिग्री ठीक है नाइन्टी प्लस थर्टी सेवन ये हो जाएगा आपका वन ट्वेंटी सेवन प्लस वाई इज इक्वल टू वन एटी डिग्री ये प्लस वन ट्वेंटी सेवन सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा वन एटी डिग्री माइनस वन ट्वेंटी सेवन डिग्री वाई का आंसर हो जाएगा आपका फिफ्टी थ्री डिग्री ठीक है तो यहाँ पे आपको एक्स और वाई दोनों मिल गए हैं यहाँ पर एक बॉक्स बना के लिख देंगे आंसर्स एक्स का आंसर आ रहा है आपका थर्टी सेवन डिग्री और वाई का आंसर आपका आ रहा है फिफ्टी थ्री डिग्री ठीक है तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर एक्स एंड वाई यही हमें यहाँ पर फाइन करना था क्वेश्चन फाइव यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है क्वेश्चन सिक्स देखेंगे क्वेश्चन सिक्स यहाँ पे देखेंगे इन द गिवन फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस यहाँ पे ट्राइंगल आपको दिख रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर उसमें जो ये साइड है क्यू आर इसको हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं एस पॉइंट तक इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंग इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर ये एंगल आपको दिख रहा है पी क्यू आर ये वाला एंगल इसका एक बाई है ये क्यू टी एंड एंगल पी आर एस ये जो आपको एंगल पी आर एस ये बड़ा वाला एंगल दिख रहा है आपको इसमें है ये आर टी बाई ठीक है इस वाले एंगल में है क्यू टी बाई और ये जो टोटल एंगल बार है उसमें है आर टी बाई ठीक है मीट एट पॉइंट टी ये दोनों बाई टी के पास मिल रहे हैं देन प्रूव दैट क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर ये वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर ठीक है तो क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम यहाँ पे नाम दे देते हैं एंगल वन ठीक है एंगल टू एंगल थ्री यहाँ पे मैं दोनों को एंगल थ्री नाम क्यों दे रहा हूँ क्योंकि ये बाई है दोनों इक्वल एंगल में हो जाते हैं ठीक है और यहाँ पे ये आर टी है तो ये वाला एंगल को भी मैं एंगल फोर और ये भी एंगल फोर नाम दे रहा हूँ ठीक है ये मैंने दोनों सेम नाम क्यों दिए हैं क्योंकि ये आर टी है बाइसेकटर की वजह से ये टोटल एंगल दोनों इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो जाते हैं वैसे ही यहाँ पर दोनों एंगल्स थ्री थ्री में डिवाइड हो गए ठीक है तो जो भी हमने यहाँ पर किया है वो हम लिख देंगे एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल वन हम मान रहे हैं यहाँ पे क्यू पी आर को एंगल वन एंगल क्यू टी आर इज़ इक्वल टू एंगल टू ये वाला एंगल टू हमने यहाँ पे लिख लिया है ठीक है क्यू टी इज़ बायसेक्टर ठीक है यहाँ पे आपको क्या है गिवन है क्यू टी बाई सेक्टर है तो ये दोनों एंगल थ्री थ्री हो जाएंगे एंगल पी क्यू टी पी क्यू टी इक्वल टू हो जाएगा टी क्यू आर दोनों को मैंने क्या नाम दे दिया हुआ है इज इक्वल टू एंगल थ्री वैसे ही यहाँ पे आर टी बाई सेक्टर है ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है आर टी बाई सेक्टर तो यहाँ पे इन दोनों को भी मैं नाम दे दूँगा एंगल फोर फोर एंगल पी आर टी एंगल पी आर टी इक्वल टू एंगल टी आर एस ये दोनों को मैंने नाम दे दिया है एंगल नंबर फोर ठीक है यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है ठीक है तो वो लाइन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं टू प्रूफ हमें यहाँ पे क्या करना है एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ़ ऑफ क्यू पी आर ठीक है अब हमने यहाँ पर नंबरिंग कर दिया है तो नंबर के फॉर्म में लिख देंगे क्यू टी आर को मैंने क्या नाम दिया हुआ है एंगल टू इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर क्यू पी आर को मैंने नाम दिया हुआ है एंगल वन एंगल टू की वैल्यू एंगल वन से हाफ़ है ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है ठीक है तो जो प्रूफ करना है वो भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये वाला ट्राइंगल देखना है ट्राइंगल पी क्यू आर ठीक है यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ ट्राइंगल पी क्यू आर ठीक है ट्राइंगल पी क्यू आर यहाँ पर मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ पी क्यू आर और ये एक्सटेंड करके यहाँ पे एस पॉइंट है ठीक है यहाँ पे एंगल फोर एंगल फोर दो बार एंगल फोर यहाँ पे गिवन है ठीक है और ये एंगल वन हो जाएगा यहाँ पे क्या है दो बार एंगल थ्री थ्री आपको गिवन है तो इस वाले ट्राइंगल में हम एक्सटीरियर प्रॉपर्टी पहले यूज़ करेंगे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो समेशन ऑफ़ टू इंटीरियर एंगल्स होता है मतलब जो अपोज़िट यहाँ पे जो दो एंगल्स आपको दिख रहे हैं पी और क्यू ठीक है इन दोनों का अगर मैं समेशन करूँगा वो इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या है एंगल पी आर एस ये टोटल एंगल बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ठीक है इसके अपोज़िट मतलब यहाँ इसको छोड़ के जो एंगल्स बच रहे हैं उन दोनों का समेशन आपको कर देना है ठीक है ये कौन सा है थियरम सिक्स पॉइंट एट यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ थियरम सिक्स पॉइंट एट था हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे एंगल पी आर एस आप देखोगे नंबर के फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ दो बार एंगल फोर है ठीक है टोटल दो बार एंगल फोर है तो मैं यहाँ पे टू टाइम्स एंगल फोर लिख सकता हूँ एंगल पी आप देखोगे तो वहाँ पे हमने कौन सा नंबरिंग किया हुआ है एंगल वन एंगल क्यू के पास आप देखोगे तो हमने यहाँ पे टू टाइम्स एंगल थ्री नंबरिंग किया हुआ है ठीक है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं ठीक है दूसरा ट्राइंगल देखेंगे हम ट्राइंगल क्यू टी आर ठीक है यहाँ पर मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ ट्राइंगल ट्राइंगल क्यू टी एन आर क्यू टी आर ये राइट एंगल नहीं है ठीक है ये ऐसे ही मैंने रफली ये ड्रा कर दिया यहाँ पे, ये हो जाएगा एंगल फोर ये हो जाएगा आपका एंगल टू ये हो जाएगा एंगल थ्री ठीक है तो इस वाले क्वेश्चन में एक्सटीरियर प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होगी यहाँ पे भी आगे जाके एस ठीक है यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ एक ही एंगल फोर है तो इस वाले फिगर में आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करोगे एंगल फोर ये एक्सटीरियर एंगल होगा एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल थ्री ठीक है ना एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है समेशन ऑफ़ टू अपोजिट एंगल्स ठीक है यहाँ पे भी हम लिख देंगे सिक्स पॉइंट एट थियरम हमने यहाँ पे यूज़ किया है अभी आप यहाँ पे देखोगे इसको मैं इक्वेशन वन दे रहा हूँ इसको मैं इक्वेशन टू दे रहा हूँ तो आप देखोगे इक्वेशन टू में हमें एंगल फोर के बारे में पता चल गया एंगल फोर का आंसर क्या होता है एंगल टू प्लस एंगल थ्री ठीक है एंगल फोर की हमें वैल्यू मिल गई इस एंगल फोर की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे ठीक है ये वाली जो वैल्यू है आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर ये वैल्यू एंगल फोर की वैल्यू अगर मैं इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे जो टू प्रूव करना है वो हमें मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं टू टाइम्स एंगल फोर लिखा हुआ है टू टाइम्स एंगल फोर एंगल फोर की जगह पर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा एंगल टू प्लस एंगल थ्री ठीक है इक्वल टू यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ ठीक है ना ये एंगल फोर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एंगल वन लिखा हुआ है प्लस टू टाइम्स एंगल थ्री लिखा हुआ है ये पूरी की पर, पूरी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है ठीक है आगे देखेंगे ये पूरी की पूरी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी है ठीक है अभी यहाँ पे देखोगे आप ये टू टाइम्स टू टाइम्स एंगल टू हो जाएगा टू टाइम्स एंगल टू प्लस टू टाइम्स एंगल थ्री हो जाएगा ठीक है टू टाइम्स एंगल थ्री हो जाएगा राइट हैंड साइड क्या था एंगल वन प्लस टू टाइम्स एंगल थ्री ठीक है अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो टू टाइम्स एंगल थ्री यहाँ पे भी है टू टाइम्स एंगल थ्री यहाँ पे भी है तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे टू टाइम्स एंगल टू और सामने से बचेगा एंगल वन एंगल टू इज़ इक्वल टू ये टू यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा ठीक है एंगल टू क्या था हमारा एंगल टू हमारा था क्यू टी आर ठीक है एंगल टू हमारा था एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू वन हाफ एंगल वन की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ एंगल क्यू पी आर और यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी ठीक है आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी एंगल क्यू टी आर इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर ये एंगल टू आप देखोगे क्यू टी आर लिखा हुआ है एंगल वन आप देखोगे तो ये क्यू पी आर लिखा हुआ है ठीक है यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी ठीक है तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स ख़त्म हो रहा है और एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री यहाँ पर ख़त्म हो रही है थैंक यू फॉर वॉचिंग